हेलो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ सेजवान चटनी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सेजवान चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले सूखी लाल मिर्च लेंगे। इसको 10 मिनट गर्म पानी में भिगोएंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और भीगी हुई लाल मिर्च को उबाल लेंगे, जब तक वो नरम ना हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे, जब तक कि ये मुलायम ना हो जाए। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये मिर्च मुलायम हो गई हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसका पानी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पानी का यूज बाद में करेंगे। इस पानी को हम चटनी की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे। मिर्च को हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मिर्च को हम इतना दरदरा पीसेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम तेल लेंगे। तेल की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, सेजवान चटनी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तेल गर्म हो जाने के बाद हम ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक भी डालेंगे। हम दोनों को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये ध्यान देना है कि ये जले नहीं। अब हम इसमें हरी धनिया के स्टेम्स छोटे छोटे काट कर डाल देंगे। हम इसको थोड़ी देर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और पिसी हुई मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ध्यान रहे, चटनी का तेल पकने के बाद ऊपर आ जाना चाहिए। ये देखिए, चटनी का तेल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब चटनी अच्छे से पक चुकी है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। नमक और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें 1 चम्मच सोया सॉस और विनेगर डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। सेजवान चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं।